जी नाज़िम, ब्रेक का एक भेरों बीहर अवे प्रोग्राम में भलीकार चूं था। सीनियर सहाफ़ी तर्ज निगार एजाज महर साहब जो असा टेलीफोन लाइन से मौजूद हैं। एजाज महर साहब, तमाम घड़ी मेहरबानी, वहाँ वक्त दिनों किए पे ऐसो सर, सूरतयाल एक पास इमरान खान साहब जहाँ जलसा हलन पाया, बे पास मरियम साहिबा भी हाँ अवामी राबता मुहिम शुरू कर छी है। मियाँवाली का हाँ खान साहब मुल्तान वन पाया, इम्कान यो है मुल्तान वे जलसे में इस्लामाबाद ना मार्च या उत धरने के हवाले से कॉल भी दई सकन था। सो ही सूरतयाल वहाँ के इलेक्शन ना वेंदे नजर अचे पी, या जो राबता मुहिम है या टकराव ना वेंदे सूरतयाल नजर पे अचे? ऐसो बिनी शयन जो इमरान खान की जो ख्वाहिश है वह यह कें तरीके से इलेक्शन जो सेप्टेंबर अक्टूबर में थी वे जी अची वहाँ ही इंदुस उनके एतरो आहे खुशफहमी अची नव आर्मी चीफ मुकर्र क्या सही। सो उन ख्वाहिश से तो खैर हाँ का पाबंदी ना है कें भी, बाकी पाकिस्तान में जो 75 साल शूंदी आयु तो वो जलसन धरणन से नतीजा न मिलना जैस तक कि इक्तदार के असल धरण की जो ताईद या इशारो मुकम्मल उनकी हिमायत हासिल न हो। बिल्कुल, तो उनमें यो जो चवण तो जलसन के जोर से कें कर यो मुमकिन न तो लगे। जलसा भी शे होंगी जलसे में तट जो वो चयन हल्कन छह हल्कन बिन सूबन मू अची वा। बिल्कुल, मियांवाली वो जो जलसो हो उनमें पेशावर मो केपी मो केतरा मू आया जैसे तू रेशो कढ़ो। बिल्कुल, पंजाब मो केतरा मू आया बेन जिले में, तो यो को पैमानो ना हों तो वो जलसो जो मतलब तड़ पब्लिक है सही। जैसे तुम हुकूमत में हो, फेडरल गवर्नमेंट तट हुई, केपी गवर्नमेंट तट हुई, पंजाब तट हो, सरकारी वसीला तस्तेमाल क्या, फेडरल प्रोविंशियल मिनिस्टर जे काफिला वी आया गिलगित मो कश्मीर मो, तो वो क्राउड भी एतो वो को जैसे दावा कई तो 10 लाख मू जै जाए से तो उन जाए से 40-50 हज़ार को मथे मू अची मापी ना। सही, बहरहाल गालू कर 20 लाख मू वीस मथों गर्मी भी आ सीजन भी आसो था तो तमाम खौफनाक किस्म की गर्मी आ 48-47 तो रेशो तो उन माहौल में मुख्य नो लगे तो एतरा मू एक गड कर बी गाल जो उन चे तो बाबा मुख्य इलेक्शन खपे सेप्टेंबर जो शेख रशीद तो चे तो खूनी मार्च चो मू पान के बाहू डींदा सो जैसे इलेक्शन नी अनाउंस नी तो उनको अज सराणा सनावला भी उनके उनके टोन में जवाब दिनो जफी न वरती यो बयान वापस न वरतो तो घर निकरण ही नींद। बिल्कुल, यह शे इंडिकेट थी करे तो शूं टकरार में वेंदी। सो मरियम नवाज भी पैरेलल पाँगी कंपेन हलए पी ए तकरीबन मोर आर लेस जो वो खड़ी जलसा 2-3 हज़ार ओडे हूँ कड़े जलसे में उन हूँ तो बहरहाल को एतो हो कोने को तो नून लीग बिल्कुल का सुती पी है या पीपल्स पार्टी पाँ वो वजे आई जी लॉन्ग मार्च कर आई अग में जेयू है कर तो मानूं तो इतरा जलसा तो हर पार्टी करे थी जमा इस्लामी जा बड़ा जलसा थन था पर एंड रिजल्ट छा तो निकरे सही। अच्छा, सवाल जिकरे यो हो जे तो इलेक्शन जे लाए जिकरे खान साहब एडो संजीदा है या शेख रशीद बायूं जण जो गालियों तो करे जिकरे एडा संजीदा आइन तो केपी के में वो पानी असेंबली छो कोन था टोडन या रिजाइन छो न था कन, पंजाब है, सिंध है, सेनेट है, जैसे संजीदा होजन तो नो लगे तो उन्होंने इतना का इस्तीफाओं जन खपन पो एक वो प्रेशर बिल्डअप थी सके तो उनमें भी तो उन्होंने संजीदगी अंदाजो लगे सके तो न। बिल्कुल थे तो तक मजेदार गाल बुदाया तो ये जे इस्तीफाओं जो ड्रामो क्यों वेठा इन सभी पीटीआई के एमएनएस बशमूल इमरान खान जो अप्रैल की पगार वरती है कौमी असेंबली में बतौर मेंबर असेंबली सही डिक्लाइन न कई न वापस खरीदों सही। तो 9 तारीख से सदर साहब इजलास घुरा उनमें हाँ ऐसो यो आ केतरा मानू अची या दावा कन था अस इस्तीफा ना दिनी है वे कंटिन्यू कौन कर चाहन था सही। छो तो उन क्लास जो इतलाक तो लाग इन ही को इन छो तो वोट ही को 74 मेंबर जी वोट दियण वाला उतिहादी हुआ खुद इमरान खान जहा खुद पीपल्स पार्टी इन पाना मानू हुआ। बिल्कुल, इन करे यो भी वो टेस्ट केस वो प्लस जो यो हले पो रागणी तो बाबा वीडियो था अचन जो इमरान खान पान पो चवे
रोज नो सॉफ्टवेयर था शेयर कन तो ये भी जो फेक वीडियो ठाए सके तो ये भी फेक वीडियो जाहिर है जो चोर हों चोर के गाड़ी में कख पा जो अग में चेयरमैन नेब के खिलाफ जो वीडियो दिनों आयो तयबा साहिबा जो उनका माई कल काटे गुम थी वही बहरहाल यो जरूर थे उनका नेब वन वे ट्रैफिक हलई ए सिर्फ अपोजिशन निशाने रखें तो जे शूं तुम पा कर रहा हो कंदा रहा हो तो उनको डप तो डेफिनेटली उनके भी उ शूं सामूँ अचन उनमें तो जी गाल ऑफ द रिकॉर्ड थन थी खुदा करे ये न हो बरल उड़ी अखलाक किरल हरकतू हैं किरल शूं हैं जो पब्लिक में अचन तो ये तो मू के मुंह दिखारण के काबिल न हुआ सही अच्छा एजाज साहब जो चीमा साहब है गवर्नर पंजाब स्टिल उनको बयान के अवें जो उन्होंने आर्मी चीफ के मुदाखलत करें खे पे डीजी आई एस पी आर बुधा चुका है इमरान खान उन तजवीजू खी आयो हो जो पा पे भी गाल चुका तो इदार आंगुर खा आयो पर इदार मुदाखलत जो मौको तो पॉलिटिकल पार्टी पा फराम कद हाँ चीमा साहब चे तो आर्मी चीफ के इंटरवीन करें खे पंजाब की सूरत हाल है भाई गाल है तो यो उनको रोल ही ना जैसे पर्यों दफो तारीख में के इदारा जो गैर सियासी रहन था सियासी किरदार अदा ना कन तो सुठी गाल ये तो जे मुल्क में जदोजहद कदा रहा तो कॉन्स्टिट्यूशन की रूल ऑफ लॉ की डॉमिनेंसी हुए धुरी तो खुश हैं इन गाल अजीब जाहिर है पीपल पीटीआई जो वो एक उन पॉलिटिकल कल्चर को ही नावाकुफ है जो पॉलिटिकल कल्चर या एक्सपीरियंस या तजुर्बो इलाही तकलीफों प्रोसेस में गुजरी उन जैसे पार्टी इंदियन जो पीपल्स पार्टी है नून लीग वट आ ओड़े किस्म जो इन न कल्चर आ ना इन तजुर्बो आ तदे वेटा इनके गारियों दिन जैसे तुम मानून के गारियों दींद तो मू तुल तो को पाराइंदा उ भी तो जाहिर तड़ो ही असर कदा नो अदम बर्दाश्त नाजेबा लफ्जन के इस्तेमाल जो कल्चर इंट्रोड्यूस किया हाँ वो तशद जो रूप अख्तियार कर वे पो जब उन सबक न सीख तो इो सिविल वॉर वाली सिचुएशन पैदा थी सके तो शायद कंखे भी कुछ न मिले सही अच्छा सर अग में तो इमरान खान साहब जो या उन जी भी अड़ा साथी आन इन सोच जहा हामी हैं तो उ केस तैयार पाया सभी जहाँ इन्वेस्टिगेशन घने भांगे इमरान खान पा करा वो तो सब बदबा जेल में वेदा टाइम टाइम फिश सही अच्छा सर इत ही जाहिर अवे नजर में गुजरियो हों खान साहब ताजो जो यूट्यूबर्स के इंटरव्यू दिनों वो काफ़ी चर्चो है उन्होंने तो उन्होंने गुजरियल साल जुलाई में उनके खबर पे वही तो नवाज लीग उन्होंने खिलाफ अदम एतमाद की रिथा आनंद की रिथाबंदी करे पई तदें ही तो मूँ फेज अमीन के न पे हटा बकौल इमरान खान साहब जो जो अमरीकी बयानियों उन्होंने ठाया हो उनके क्या था ऐसो अमी उनके तो पा दफन कर छो वो चवंदा न तो ये दोस्त नुमा दुश्मन आ या दुश्मन नुमा दोस्त आ तो केतर ही मानन जो कैरियर दाव से लगा वेठो अड़े किस्म जो गालू करे पब्लिक में खुद पांजो बयानियों जो आको चवे पो तो 7 मार्च से मुखे मुरासलो मिलो 7 मार्च को वी तो 27 तक इंतजार छो कर इन विच में OIC में अमरीकी नुमाइंदो जो मेंबर भी को छो स्पेशल इन्विटेशन दी घुरा सजो मन उनमें पॉलिटिकल बदजाती लगे थी उनमें मेलाफाइड ही हुई हाँ जैसे इन यह गाल तो मुख्य तो यार जुलाई 2021 में खबर आई जैसे 2021 में खबर आई तू उन न भी हटाने पे चाहें तो ये ड्रामा छा उन बयानियों पाजो पा कमजोर कह कमजोर थो सही अच्छा इन यो को पेरों मौको ना है मुख्तलिफ वक्त इन अड़े किस्म जो बयान दिना अगत हली वरी उन्होंने बो बयान दई छा मू एक न असा जड़ा मू कडमेंट अव जड़ा मू उ तो माना एक हैरान परेशान रहना पर इन के फॉलोअर्स उन्होंने उनको को स्टिल असर न पो पवे बियन पार्टी में भी ये अवं लगे पे तो यो बयानियों उनको अना सेल या जो डाय हार्ड इन कारकुन उन्हें तो को फर्क न पवन अज भी मनी अमरीकी साजिश हुई न मां समझा तो उनते पौंदो ता दिसो ना हाने शायद आफरीदी ये बयान दिनो रिजन अब्दुल बयान उन जो शहबाज शरीफ की मुबारकबाद दिने ता सब जको आ सोशल मीडिया ते उन गरीब सा अशर कियो तो हु चे तो बाबा ठीक आ इमरान खान मुझे लाए बीइंग अ पर्सन आइडियल आ पर जेको गलत गाल हुंदी तो वो गलत चोंदा से सही त मकसद त वो जको एकरो कल्ट हन बिल्ड कयो आ उन में घणे भांगे मानु जके हन ओवरसीज जान हेतो वारन के त कनमट शुरू थी वई आ
सोशल मीडिया से जी ट्रेंड था हल इदार के खिलाफ या आर्मी चीफ के खिलाफ या फर्दन के खिलाफ एडी दीदा दिलेरी से 75 साल में कदें भी अस इतने न बुधी आ कें पार्टी ये टारगेट किया हो मुझे हैरानी इन गाल उन्होंने खिलाफ एक्शन इन मल तीन खो वो उन्होंने छूट दिनी वही आ बे पास जो आड़े मामूली छक की बुनियाद से तुम पंजाब के इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ंदड़ बलोच शागिर्दन के खंभे गुम था कर इतने तुम कौमी गैरत जो मुजाहरो ना कर इो भी अजीब एक माना खेज आ खुद तुम केस कमजोर तो करे तो या तो तुम काणा आ या तुम पार्ट से का गल गड़बड़ आ सो बहरहाल इमरान खान के जैसे तुम एतरी दिनी छूट तो डेफिनेटली वहाँ एकदम वरी रसी भी छिकबी सही। अच्छा सर आखिर में वेंदे वेंदे यो चाहिंदा से सिंध में पानी की खोट यकीन अवां जे इलम में आए तो शिद्दत अख्तियार कर 53% तीन बुधाई पे पहुंची चुकी है। पीपल्स पार्टी डिमांड पी करे वफाकी हुकूमत का हालांकि तमाम वेझा पीपल्स पार्टी नवाज लीग हिंसर जो कुर्बतू हैं 91 अकॉर्ड से अमल करने मुतालबो अज भी सिंध के वे वजीर किया है। अवां के लगे तो हाँ ये सुनहरी मौको है जो उनते अमल थे सिंध के बलोचिस्तान के विन सभी सूबन के पांच हिस्से जो पानी मिले जो खोट है सभी सूबन में एक जी विरण खपे बजाय उनको नुकसान सिंध या बलोचिस्तान के थे। दिसो यो ओवरऑल टे महीना अग मुख याद आ इरसा वन यो प्रिडिक्ट कयो त खरीफ में पानी जो उनकी शॉर्टेज थी 40% जो सिंध के खोट खणनी पवी तो उनमल सिंध जो यो कैलकुलेशन हुई तो भाई असा के 34-35% खरण खपे 40% न तो यो मामलो उन वक्त का वी सिंध गवर्नमेंट उनकी मालकी करे तो मुझे ख्याल आड़ी क्राइसिस वाली सिचुएशन न हो छो तो तुम ऐसो अज कोटड़ी बैराज वटो कतरो पानी जो कोने बिलो कोटड़ी 200 किलोमीटर जो फासिलो आ जिते जानवर पखी मानू इंसान रहन था फसलन के तो हणो खड में उ तो मानू भुख मरंदा गरीब सही पानी जीण जियापो जो वो दुख्य थी वो चरंद परन जो इंसान जो उन पास जो होश तदें था संभाल अख उन मल था पटो जैं जो मू रोड रस्ता अच्छी बंद था कन तंग थी अची घर में निकी अची एतजाज था कन उन कन से जूं थी चुड़े तो ये शूं तग में मैनेज किया चश्मा जेलम लिंक कैनाल एडो वो कैनाल आ जैमों इंडस में पानी खड़ी जेलम में विझना वो कॉन्स्टिट्यूशनली न करण जो पाबंद वो फ्लड कैनाल तो उनके बंद था कन बदनीयत ही करे उते चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट चयों तो उनके थदो करे असांके जेको आ पानी उनके लिए खपे उनके लिए खपे तो फर्ज कर पानी मिसाल की गाल 25% तुम खो तो 100% वो ही पानी सिंध ठीक है यो कौमी मनसूबो है तुम खो उतो कैनाल में डाइवर्ट करे वापस तुम सिंधु में वेझो उन अगे तीन अमल न तो मकसद हर चपे चपे से पंजाब इलीगल पाँजा वाह वाहे तो पांजे हिस्से को पानी खणे तो जखीरों में पानी थे तो अना जे पाइपलाइन में डैम आन जे उ वो तो सिंध बलोचिस्तान जो खुदा हाफिज सही सिंध गवर्नमेंट के जो मालकी 2 महीन का अगु करण खपे जी अख पटे आज यहाँ सिचुएशन न हो सिंध में डुकार वाली सूरत हाल पैदा थी कणक भी इन दफे घट लथी ओवरऑल पाकिस्तान में उनमें मिसमैनेजमेंट ही भाण न मिलो दवाओं जाली मिलियो बीज जाली मिलिया त मुसलसल जो यो ज़रात से खिलवाड़ थे तो इन जे बारे में जे जिम्मेवार इदारा उन्होंने पांजो किरदार न निभायो त ज़रात तबाह थी वेंदी मानू जो वो वक्त को परे ना जो भुख मरन। सही तमाम घणी मेहरबानी एजाज मेहर साहब अस वक्त दिनो बार बार सिंध गवर्नमेंट के अस भी याद दियारींदा रहियासीं मुख्तलिफ़ जे भी असा साफ़ी बिरादरी है असाजा लेखारी कालमकार उ तो मामले के दिसण खपे संजीदगी बुनियादन से दिसण खपे पर बहरहाल देर आए दुरुस्त आए हाँ इजलास थन पा अज सखर में आला सतह इजलास सिंध के वे वजीर सदारत हेठ वफाक का यो मुतालबो किया वो है वफाक में जाहिर है इतिहादी गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनमें इतिहादी है पानी बिजली वाली वजारत उन्होंने वट है इरसा में असि सिंध की सुठी नुमाइंदगी है सो ये सुनहरी वक्त है 91 अकॉर्ड से अमल किया वे सूबन के पैं हिस्से जो पानी मिलन खपे तो जी जो है ज़रात जी बची सके असि मईशत जी वह बेहतर थी सके अज ये खबरू शाया थी कणक की पैदावार जो हदफ पूरा न थो वफाकी हुकूमत पारा कणक दरामद करण जो
फैसलो किया वो आई जरई मुल्क है असं बुधा आयो बार बार ज़रात असि करंगे की हडी की हैसियत रखे थी पर जैसे पानी न हों तो ज़रात किथा थी सी खास तौर पर वे में वो जो नुकसान थे पो वो सिंध सूबे के थे पो पंजाब में वरी भी सूरत हाल काफ़ी कदर बेहतर है उते पानी एतरी खोट ना है इंडस डेल्टा असा तबाह थी वही पूरी हिड़ी तहजीब खत्म थी चुकी है सो उन मामले के जितो संजीदा थी कर जरूरत है वो वक्त की अहम जरूरत है इनता ही संजीदा मामलो है सिंध गवर्नमेंट के रोजानी के बुनियादन इजलास करन खपन वफाक से लिखत में अड़े किस्म जो मुआदो करें खपे 91 वाले अकॉर्ड से अमल कराएं खपे तो जी सिंध की जहाँ नरुगो मईशत है वह बेहतर थे ज़रात बेहतर थे पर इतने तो पानी पीण वो पानी भी नायाब थी चुको है सो उ सूरत हाल भी तद ही बेहतर थी सी अज प्रोग्राम में फिलहाल एतरो ही असा दींदा इजाज़त अलह निगेबान।